पेज नंबर 28, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंटरी रो ऑपरेशन। तो ए इक्वल टू आप लोगों ने लिखा आई ए, इसमें ए की वैल्यू देखो पुटअप किए राइट साइड में आइडेंटिटी ऑफ 2/2। तो अब आपको क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये जो प्लेस आप लोग जो देख रहे हैं टू, इसको यूनिटी में कन्वर्ट करना है। तो यूनिटी में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे को रो को टू से डिवाइड करना है। अनदर मेथड से इसे वन में कन्वर्ट ना करें, इसे डिवाइड करते हैं R1 को 2 से। तो बना 2/2 मीन्स 1, 5/2, 1/2, 0। सेकेंड रो सेम है। अब आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिए, ये प्लेस को 0 में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ दिस वन, इस वन के हेल्प से 0 करेंगे। तो R2 में ऑपरेट करते हैं, R2 -R1 मीन्स 1 -1, 3 -5/2, 0 -1/2, 1 -0, जो कि ये स्टेप है। सिंप्लीफाई कर लो आप इसको। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए ये जो प्लेस 1/2 आप देख रहे हैं, इसे यूनिटी में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लाई करके करेंगे या डिवीजन से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 1, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें ये 2 से, R2 × 2 हो गया। अब इस 1 के हेल्प से ये प्लेसेस को 0 करना है 5/2 को, तो R2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे, तो आ जाएगा देखो ऑपरेटिंग R1 -5/2 R2। तो ये हो जाएगा 1 -5/2 0, ये हो जाएगा 5/2 R1 मीन्स 5/2 -5/2 R2 मीन्स 1। वैसे राइट साइड देखिए R1 मीन्स 1/2 -5/2 R2 मीन्स -1, फिर देखो R1 मीन्स 0 -5/2 और R2 मीनिंग 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो गया 1/2 प्लस 5/2, ये सॉल्व करेंगे ते बनेगा 6/2 जो कि यहाँ टॉप में दिखा मिलेगा 3, और ये हो गया -5। ये आइडेंटिटी में भी कन्वर्ट हो गया, ये देखो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मीन्स ए इनवर्स आपका ये बन गया। अब आते हैं पेज नंबर 29 में। पेज नंबर 29 देखिए, अभी तक 2×2 के मैट्रिक्स को सॉल्व करे थे, अब 3×3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो मैट्रिक्स है 3×3 का, तो पहले आप लोग लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए लिखे, देखिए ए की वैल्यू पुट अप की, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3/3। आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो पहले ये प्लेसेस को 1 में कन्वर्ट करेंगे बाय डिविजन से, ओनली बाय डिविजन। तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, देखो 2/2 -3/2, 3/2, 1/2 एंड सो ऑन। ठीक, अब ये इस वन के हेल्प से ये प्लेसेस को जीरो करना है, ये और ये प्लेस को। तो कैसे करेंगे, R2 में ऑपरेट करेंगे, R2 -2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करें, जो कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। अब ये प्लेसेस को जीरो करना विद द हेल्प ऑफ दिस वन, मीन्स R3 में ऑपरेट करें, R3 -3R1, ये देखिए। अब ऑपरेशन पहले स्टार्ट करते हैं R2 -2R1 सेकंड रो में, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ सबट्रैक्ट किए, 2 -2 × -3/2, 3 -2 3/2, 0 -2 × 1/2, 1 -2 × 0, 0 -2 × 0, जो कि यहां पे देख रहे हैं। थर्ड रो में अप्लाई करते हैं R3 -3R1, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे, देखो R3 में 3, या ऑपरेशन स्टार्ट करें, 3 -3 × 1, -2 × 3 -3/2, ये ऑपरेशन को यूज करें आप। ब्रैकेट को रिमूव करें आप, और ब्रैकेट को रिमूव किए देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। अब इस तरीके से सॉल्व किए तो ये देखो ये बन गया आपका 1 -3/2 3/2, 0 5 0। अब इसे अब को आप आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, तो ये प्लेस आपका होना चाहिए यूनिटी में। ये प्लेस यूनिटी में कब होगा, जब ये जो रो होगा सेकेंड रो 1 में कन्वर्ट होगा। अब आप देखेंगे पेज नंबर 30, ये देखें अभी आपका पेज नंबर 29 में लास्ट था 0 5 0, ये यूनिटी में कन्वर्ट करना है। तो R2 को करिए R2/5, मतलब R2 को डिवाइड करिए 5 से, तो देखो बनेगा 0 1 0 -1/5 1/5 0, ये आ गया आपका। अब इस 1 के हेल्प से ये प्लेस को 0 करना है -5/2, और 1 के हेल्प से ये 5/2 को आपको 0 में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, R1 में इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, जो कि लिखा हुआ है R1 + 3/2 R2, और इसको यदि जीरो करना है तो R3 में करेंगे R3 + -5/2 R2। ठीक, ये ऑपरेशन को अप्लाई करिए आप फर्स्ट रो में और थर्ड रो में, ये आ गया आपका। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए। अब
ये पहला कॉलम आ गया 100010, तो अब ये यूनिटी में कन्वर्ट होना चाहिए। ये यूनिटी में कन्वर्ट कब होगा, जब इसको आप क्या करेंगे, यूनिटी में कन्वर्ट कब हो पाएगा, जब ये स्टेप जो है आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, या डिवीजन डिवाइड कर दो माइनस फाइव बाई टू से, या मल्टीप्लाई कर दो टू बाई फाइव से, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर सकते हो माइनस फाइव बाई टू से, ये रो को, तो देखो ये रो को फाइव माइनस फाइव बाई टू से डिवाइड करेंगे तो बनेगा ये, इसे माइनस टू बाई फाइव से, या मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो माइनस टू बाई फाइव से, इसे ही मल्टीप्लाई करिए, इसे ही मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया आपका। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो ये प्लेस जीरो होना चाहिए, इस वन के हेल्प से ही जीरो करना है। कैसे पॉसिबल हो जाएगा, पेज नंबर 31 पे देखिए, आपने ऑपरेशन ये किया, ये देखो आर वन में क्या करें, आर वन माइनस थ्री बाई टू आर थ्री, आर वन माइनस थ्री बाई टू आर थ्री ये करेंगे तो ये प्लस जीरो जाएगा। पेज नंबर 31 में देखिए, पेज नंबर 31 में देखिए, आपने ऑपरेशन किया आर वन में, तो ये आ गया आपका। सिंप्लीफाई करिए तो ये I इक्वल टू दिस मैट्रिक्स आया, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ A, तो ये आ जाएगा A का इनवर्स, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप पुट अप कर लेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज दिस मैट्रिक्स, क्लियर, A इनवर्स ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक।